कानपुर टेस्ट के अंतिम दिन भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेशियों को किया हलाल। वर्षा बाधित टेस्ट मैच को 7 विकेट से 2.5 दिन में जीत कर दिया कमाल। क्या है साथियों पूरी खबर, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में एकदम विस्तार से। दोस्तों जब चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों ने खेल समाप्ति के समय 26 रन पर 2 विकेट झटक लिए थे और भारतीय टीम के पहली पारी के बढ़त से 26 रन दूर थे, तो प्रत्येक भारतीय क्रिकेट प्रेमी और प्रशंसक इंद्रदेव से मात्र यही गुहार लगा रहा था कि 2.5 दिन तक अपना आतंक दिखाकर मैच में जीत हार की संभावना को तो आपने समाप्त कर दिया था। लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने पहले बांग्लादेश की पारी को 233 रन पर समेटा और फिर 9 विकेट पर 285 रन बनाकर पारी घोषित कर जो दाव खेला है उस दाव को सफलता प्रदान करने के लिए ताबड़तोड़ दुआएं जारी था। और जब अंतिम दिन का खेल समय पर प्रारंभ हुआ तो करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की बांझे खिल गई और प्रत्येक भारतीय भलीभांति जानता था कि 5वें दिन भारतीय सरजमी पर स्पिन और टर्न लेती है। विकेट पर अपने आप को सुरक्षित बचाकर रखना बांग्लादेश के खिलाड़ी के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाने से कम दुष्कर कार्य नहीं था। 5वें दिन का खेल अभी प्रारंभ हुआ था, 3.5 ओवर का खेल हुआ था, तभी 36 रन के स्कोर पर कल के नाबाद बल्लेबाज और पहली पारी के एकमात्र शतकवीर मोमिनुल हक 2 रन पर अश्विन के तीसरे शिकार बन गए। लेकिन सादमन इस्माइल और कप्तान सांतोनी शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 55 रन जोड़कर अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जडेजा की गेंद पर कप्तान सांतोनी लापरवाही पूर्वक रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास किया मगर बोल्ड हो गए। इसके बाद सादमन इस्माइल 50 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आकाशदीप की गेंद पर जयसवाल को कैच थमा बैठे और चलते बनी। उसके बाद मुशफिकुर रहीमी कुछ हद तक भारतीय गेंदबाजों के सामने बड़े मुस्तैदी के साथ खेलते हुए बांग्लादेश से हार को टालने का प्रयास करते रहे, मगर दूसरे छोर पर बांग्लादेश खिलाड़ी कुचल में आय की तर्ज पर बल्लेबाजी करते हुए 94 रन पर 7 विकेट गवा कर अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे थे और बांग्लादेश की टीम 47 ओवर में 140 रन पर ऑल आउट हो गई। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे जिन्होंने 63 गेंद का सामना करते हुए 7 चौके की मदद से 37 रन बनाए और सबसे अंत में बुमराह की गेंद पर बोल्ड हो गए। भारत में भारतीय टीम को सावधान रहने की चेतावनी देकर आए बांग्लादेशी कप्तान नजमल हसन सांतो का 2-0 से श्रृंखला जीतने का ख्वाब उस समय काफूर हो गया जब भारतीय टीम ने विजय के लिए मिले 95 रन के लक्ष्य को मात्र 17.2 ओवर में 98 रन बनाकर 7 विकेट से कानपुर टेस्ट 2-0 से जीतकर बांग्लादेशियों को हलाल करते हुए लगातार 18वें टेस्ट श्रृंखला जीतकर इतिहास के पन्नों पर एक और नए अध्याय का सृजन कर दिया। भारत की इस अद्भुत विजय ने समूचे क्रिकेट जगत को अपना लोहा मानने पर विवश कर दिया, जबकि बांग्लादेश के कोच चंडिका हथुरा सिंघे ने अपने खिलाड़ियों को समझाया था कि भारत में भारतीय टीम का शिकार करना तुम लोगों की बस की बात नहीं, लेकिन अहंकार के नाव पर सवार अहंकारी को भला कौन समझा सकता है। जिस टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका की टीम लगभग 12 वर्षों से श्रृंखला जीतने का ख्वाब सजाकर आते हैं मगर पराजय का कड़वा घुट पीकर अपने अरमानों की चिता जलाकर वापस अपने स्वदेश लौट जाती हैं, उस टीम ने आज एक बार फिर से अपनी सरजमी पर अजय रहने की कीर्तिमान का परचम लहराकर अपने अभेद्य शक्ति का परिचय बांग्लादेश के साथ साथ दुनिया भर के टेस्ट खेलने वाले देशों तक पहुँचा दिया है। भारतीय टीम 95 रन के विजय लक्ष्य के साथ जब मैदान पर उतरा तब 2 ओवर में 18 रन बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थी, मगर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मेहंदी हसन मिराज ने कप्तान रोहित शर्मा को 8 रन पर हसन महमूद के हाथों कैच कराकर भारत को सोचने पर विवश कर दिया था। जब टीम का स्कोर 34 रन पहुंचा था तभी 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर मेहंदी हसन मिराज ने गिल को 6 रन पर पगबादा आउट कर दूसरा झटका दे दिया। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपने आक्रामक बल्लेबाजी पराक्रम दिखाते हुए 45 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से मैच में दूसरा अर्धशतक जड़कर भारत को विजय द्वार के निकट पहुंचा दिया, मगर विजय से 3 रन पहले तजमुल इस्माइल के शिकार बन गए। मगर कोहली नबाद 29 और विकेट की 6 रन जोड़कर भारत को 7 विकेट से विजय दिला दी। इस टेस्ट मैच विजय की जितनी भी तारीफ की जाए वो हमारे शब्दों में नगण्य होगा। दोस्तों इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजहरा पेश करने वाले यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच के सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं इस सीरीज में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने वाले भारत के सम्राट स्पिनर रविचंद्र अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये है भारत और बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मैच का पूरा हाइलाइट। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों एनसन स्पोर्ट्स की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत 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 बधाई। दोस्तों आप भी भारतीय टीम को बधाई दे सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। मिलते साथियों एक और नए वीडियो में बहुत जल्दी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।